भारतीय रेल का इतिहास रुड़की से शुरू होता है। यहाँ इसी शहर में भारत की सबसे पहली रेल सफलतापूर्वक चलाई गई थी। अंग्रेज सरकार गंगा नहर को अति शीघ्र पूरा करना चाहती थी और इसके लिए पेनिनसुला रेलवे ने सबसे पहले 3 रेलवे इंजन आयात किए, तो उनमें से एक थॉमसन को रुड़की भेजा गया था सोलानी पुल पर निर्माण सामग्री ढोने के लिए। इस विषय में शोध करते करते जब हमारी टीम रुड़की पहुंची तो रुड़की विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर डीवी सिंह तथा सेंट्रल लाइब्रेरी स्टाफ के सहयोग से एक्वीडक्ट रेलवे से संबंधित ये रिकॉर्ड्स हमें मिले। 22 दिसंबर 1851 को एक्वीडक्ट रेलवे की छोटी सी मालगाड़ी रुड़की से अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैलेस्ट और टिप वैगन के साथ सफलता से दौड़ी थी। रेलवे बोर्ड ने भी अपने इतिहास की इस चूक को सुधारते हुए इस घटना को मान्यता दी और ये सूचना फलक रुड़की स्टेशन पर स्थापित किया। 1886 में रुड़की रेल मार्ग से जुड़ा। रुड़की वर्कशॉप के सायरन को सुनकर रुड़की के लोग 1843 से अपनी घड़ियां मिलाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन इस वर्कशॉप की स्थापना गंगा नहर के निर्माण के दौरान यंत्रों के रखरखाव व मरम्मत के लिए 1843 में की गई थी। 1903 के युद्ध में इसको मिलिट्री वर्कशॉप बना दिया गया। इस वर्कशॉप ने अनेक महत्वपूर्ण हाइड्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स के लिए निर्माण और स्थापना का काम किया। इसकी किले जैसी दीवारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में रुड़की स्थित अंग्रेज अफसरों को शरण दी थी।